بسم الله الرحمن الرحيم. हेलो डियर स्टूडेंट, यू आर वॉचिंग मदरसा ऑनलाइन क्लासेस. जो आप आज हम लोगों का ग्रामर पोर्शन का, ये ग्रामर पोर्शन है जो क्लास 7-8 दोनों के लिए है. वस्तानिया सौम एंड चहार में ये बच्चों, आज ग्रामर पोर्शन का हम लोग पर्सन के बारे में जानेंगे. पर्सन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन वर्ड पर्सन में आते हैं, इंग्लिश ग्रामर में इसको पर्सन बोलते हैं और उर्दू में इसको शख्स बोलते हैं. जैसे यहाँ एक नज़र आप डाल सकते हैं बच्चों, यहाँ देखिए नाउन के अंदर में हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े थे, उसके बाद नंबर पढ़े जो सिंगुलर नंबर प्लुरल नंबर, फिर उससे रिलेटेड रूल्स पढ़े थे, फिर आज हम लोग पर्सन के बारे में जानेंगे कि पर्सन कितने टाइप के होते हैं और वो कौन कौन होते हैं. तो जैसे कि आप एज यू सी ऑन द बोर्ड के पर्सन जो होते हैं बच्चों, वो तीन टाइप के, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन, तीन टाइप के पर्सन होते हैं जो इंग्लिश में, जिसका फर्स्ट जो पहला है उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, और जो दूसरा है उसको सेकेंड पर्सन बोलते हैं, और जो तीसरा है उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं. फर्स्ट पर्सन को उर्दू में मुतकल्लिम बोलते हैं, और सेकंड पर्सन को उर्दू में मुखातब बोलते हैं, और थर्ड पर्सन को उर्दू में गायब बोलते हैं. तो ये फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, पर्सन क्या है. पर्सन शख्स से रिलेटेड है. कभी भी बच्चों, आप कभी भी अपने लाइफ में किसी से बात करते, व्हेन यू टॉक दैट टाइम समवन इज स्टैंडिंग बिफोर यू, और समवन इज स्टैंडिंग राइट हैंड साइड ऑफ योर्स, और समवन इज एब्सेंट. तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई बच्चे आपके सामने होते हैं, कोई आपसे गायब होते हैं, कोई जिसके बारे में आप बात करते, तो इस टाइप के चीज़ों को जितने भी आते हैं वो पर्सन से रिलेटेड कहा जाता है. इसी तरह हमारा पर्सन शख्स है, यानी फर्स्ट जो पर्सन का पहला पार्ट है, तीन टाइप का है. फर्स्ट है फर्स्ट पर्सन, उसको उर्दू में मुतकल्लिम बोलते हैं. वो कौन है फर्स्ट पर्सन? जैसे बच्चों हम आपसे अभी बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं उस बात को, तो हम फर्स्ट पर्सन हुए, और आप जो सुन रहे हैं वो आप हुए सेकंड पर्सन, यानी सुनने वाले मुखातब जो सुन रहे हैं वो सेकंड पर्सन, और जो बात कर रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन. और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कोई ग्रामेटिकल हो, कोई वर्ड हो, या कोई आदमी हो, या कोई चीज़ जो मौजूद नहीं है, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, वो होता है थर्ड पर्सन. जैसे बच्चों एक चीज़ यहाँ पे अगर मान लेते हैं, ये टीचर हैं, यहाँ स्टूडेंट है बैठे हुए, कुछ कुछ स्टूडेंट है, और कुछ ये है जो अब्सेंट है, क्लास में नहीं है, ये इन लोगों से बात कर रहे हैं, ये हुए फर्स्ट पर्सन हमारे, ये फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे, क्योंकि ये इन लोगों से बात कर रहे हैं. अभी ये टीचर बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चे इसको गौर से सुन रहे हैं टीचर की बातों को, तो ये सेकंड पर्सन कहलाएंगे. और जिससे रिलेटेड, जिसके बारे में बात किया जाता है उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं, उसको गायब बोलते हैं. उसी को इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, मुतकल्लिम बात करने वाला स्पीकिंग, और सेकंड पर्सन जो मुखातब स्पीकिंग टू, एंड थर्ड पर्सन स्पीकिंग अबाउट गायब को बोलते हैं. बच्चों कुछ वर्ड्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है कि कौन कौन फर्स्ट पर्सन होता है, कौन कौन थर्ड पर्सन होता है, कौन कौन थर्ड पर्सन और कौन कौन सेकंड पर्सन होता है. फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल जैसे हम आपको देंगे, जैसे आई, आई मीन्स मैं होता है, आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं. और एक एग्जांपल देखिए, आई मीन्स मैं, और वी, वी मीन्स हम लोग. बच्चे आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम लोग, ये सिंगुलर में और प्लुरल दोनों में यूज होता है. जो बात करने वाला होता है वो आई या तो एक होगा, या तो वी हम लोग बहुत सारे होंगे, तो वो दो एग्जांपल ये फर्स्ट पर्सन का है इंग्लिश में, आई और वी. या फिर कोई इंसान है इसका नाम हो, वो जो बात कर रहा हो वो भी हो सकता है. जैसे कोई नाम ले लेते हैं, जैद, जैद एक नाम है बच्चों, जो अगर उस वक्त बात कर रहा है वो, तो वो उस वक्त फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, मुतकल्लिम कहलाएगा. उसी तरह सेकंड पर्सन का एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे, एग्जाम्पल में कौन कौन, जैसे एग्जाम्पल सेकंड पर्सन का सिर्फ इंग्लिश में एक ही वर्ड है, वो सिर्फ यू है. यू मतलब तुम, जो सुन रहा है बातों को. यू में आप, ये तो प्रोनाउन है, ये यू में कोई भी, मोहन, सोहन, जैद, कोई भी हो सकता है जो सुनने वाला हो. ऐसे इंग्लिश के वर्ड में सिर्फ यू एक ऐसा वर्ड है जो सेकंड पर्सन में आता है पहले, और इंग्लिश पोएट्री वगैरह में दाई, दी वगैरह यूज किया जाता है इसी की जगह में. यू एक ऐसा वर्ड है जो सिंगल वर्ड है जो सिर्फ
सेकेंड पर्सन में। बच्चों अब थर्ड पर्सन में कौन कौन वर्ड आते हैं तो आप देख सकते हैं बोर्ड में, जैसे ही मीन्स वह, जो मेल के लिए आता है, जो मुजक्कर के लिए आता है। जैसे शी मीन्स वह, जो मानस के लिए आता है। और बच्चों देख सकते हैं इट, यह जो निर्जीव चीज के लिए आता है, जो बगैर जानदार चीजों के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है, जो बेजान चीज है उसके लिए। उसी तरह टी एच ई वाई दे मतलब वे लोग। ये सारे वर्ड्स जो है, ही है, शी है, इट है, दे है, या फिर कोई वैसा नाम जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, मोहन है, सोहन है, इस टाइप का, या जैद है, यहाँ पे भी जैद आ सकता है, जिसके बारे में वो मौजूद नहीं वो बात कर रहे हैं। तो बच्चे ये सारे एग्जाम्पल थर्ड पर्सन के हैं। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश में कौन कौन वर्ड हैं जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, जो बात करते वक्त पाया जाता हो, या जो सामने बात करता हो, वो कौन कौन वर्ड है। आई मतलब मैं, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग, या फिर कोई भी इंसान का नाम हो, चाहे कोई भी हो जो उस वक्त बात कर रहा हो, आपके सर हो या आप ही हो जो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, जो आप बात कर रहे हो उस वक्त आप फर्स्ट पर्सन, जो आपके फ्रेंड सुन रहे हैं वो सेकंड पर्सन कहलाएगा। और उसी तरह इंग्लिश में एक वर्ड है यू, बच्चे यू एक ही वर्ड है जो सेकंड पर्सन में आता है, और थर्ड पर्सन में इन दोनों के अलावा, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अलावा जितनी भी दुनिया में वर्ड मिलेंगे वो थर्ड पर्सन में कहलाएंगे। सिर्फ ये दोनों के अलावा, ये दोनों को छोड़ के वो कौन कौन है, जैसे ही है, शी है, इट है, दे है, मोहन है, सोहन है, जैद है, मेनी मोर नाम हो सकते हैं, कोई भी जिसके बारे में, या कोई चीज भी हो सकती है जिसके बारे में आप बात करते हैं। तो आज हम लोग इंग्लिश के इस पोर्शन में ये जानेंगे पर्सन तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम, बात करने वाला, जिसमें आई और वी आता है। सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं, स्पीकिंग टू, जो आपके सामने सुन रहे हैं, जिसके बारे में, उसमें सिर्फ एक ही वर्ड यू आता है। एंड लास्ट वन इज थर्ड पर्सन, जिसमें ही, शी, इट, दे, मोहन, सोहन, जैद, कोई भी नाम आ सकता है जो जिसके बारे में आप, या कोई चीज हो सकती है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रामर, व्हेन यू लर्न, व्हेन यू वांट टू रीड एनीथिंग, यू हैव टू नो दिस वर्ड के विच वर्ड बिलोंग टू विच पार्ट, के कौन सा वर्ड किस पार्ट को बिलोंग करता है, ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों। इससे आज इस पार्ट को यहीं तक कंप्लीट हो गया पर्सन का। बच्चों इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहता हो, कोई वर्ड लेके आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आप पूछना चाहते हैं, कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको विद क्लैरिफाई आंसर दिया जाएगा। लेकिन वीडियो को शेयर करना और आप दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और लाइक करना भी नहीं भूलिएगा बच्चों।